हिमाचल प्रदेश में ठंड का आलम बढ़ना शुरू हो गया है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक पहुंच चुका है, हालांकि अधिकतम तापमान अभी भी 32 डिग्री के पार है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। यह पोस्ट मानसून की बारिशें होती है जिनके लिए अलर्ट जारी नहीं किया जाता है। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग की क्लासिफिकेशन के अनुसार मानसून के रवाना होने के बाद 31 दिसंबर तक पोस्ट मानसून का सीजन रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान कोई भी भारी बारिश, ओलावृष्टि, गर्जन और बिजली की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि पोस्ट मानसून के कारण कुछ स्थानों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों में भी जिला शिमला के रोहडू में 3 mm और जिला किन्नौर के सांगला में 0.4 mm बारिश दर्ज की गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे कम तापमान जिला लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान हमीरपुर में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शिमला में 24 डिग्री, ऊना में 31.4 डिग्री, सुंदरनगर में 30.5 डिग्री, भुंतर में 31.3 डिग्री, कल्पा में 20 डिग्री, धर्मशाला में 28 डिग्री, नाहन में 28.3 डिग्री, केलांग में 15.5 डिग्री, सोलन में 29.5 डिग्री, मनाली में 22.6 डिग्री, कांगड़ा में 30.6 डिग्री, मंडी में 29.3 डिग्री, बिलासपुर में 31.8 डिग्री, चंबा में 31.6 डिग्री, भरमौर में 22.4 डिग्री, कसौली में 22.7 डिग्री, बशोबरा में 20.8 डिग्री और नेरी में 31.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।